और आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर भी भोपाल से ही हमें मिल रही है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सांवेर दौरे पर रहेंगे। सांवेर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही बदनावर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाएं की जाएंगी। तो बीडी शर्मा जो बीजेपी के स्टार प्रचारक है, सांवेर जाएंगे। इसके बाद सुवासरा के सीतामऊ में भी उनका दौरा है, यहाँ भी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। यहाँ नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री भांडे प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। तो तमाम दिग्गज बीजेपी के अलग अलग दौरे कर रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे वैभव जी का रुख करते हैं। वैभव जी, बीजेपी के स्टार प्रचारक बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, उनके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये पहला बड़ा चुनाव है, और इसमें नाक का सवाल, साख का सवाल उनकी भी है, इसलिए कोई कोर कसर उनकी तरफ से भी नहीं छोड़ी जा रही है। संगठन की मजबूती और कार्यकर्ता का जो अनुशासन है, कार्यकर्ता अपने पार्टी के प्रति कितना समर्पित है बीजेपी का, इसकी परीक्षा इस चुनाव में होने जा रही है। और सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, जया लगातार दौरे कर रहे हैं। जब हम ग्वालियर चंबल संभाग में पहुंचे थे तो सुमावली में बीडी शर्मा की एक बड़ी सभा हो रही थी, उससे पहले उन्होंने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, जौरा भी गए थे। तो प्रत्येक दिन 2 से 3 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, मंडल स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। कार्यकर्ता बीजेपी ने अपनी पूरी नेताओं की फौज लगा दी है, जिन भी चुनाव क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, ये आंखों देखी हाल है। तो जया, तो आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, वो सांवेर जाएंगे, सांवेर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, इसके बाद बदनावर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया, उसको भी संबोधित करेंगे। सुवासरा की सीतामऊ भी जाएंगे और सीतामऊ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं हम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग के एक बड़े चेहरे हैं, वो भांडेर पहुंचेंगे। भांडेर की जो बीजेपी प्रत्याशी हैं रक्षा सिरोनिया, उनका नामांकन दाखिल कराएंगे। इसके साथ बाद वो ग्वालियर जाएंगे, ग्वालियर के मुरार में आम सभा को संबोधित करेंगे। ग्वालियर के मुरार से मुन्नालाल गोयल बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इसके बाद शाम को 7 बजे नरोत्तम मिश्रा डबरा आ जाएंगे। डबरा में भी कांग्रेस बीजेपी की ओर से इमरती देवी चुनावी मैदान में है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर बीजेपी की शक्ति और बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको लेकर भी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया नरोत्तम मिश्रा के द्वारा, कि किस तरीके से चुनाव के दौरान बूथ मैनेजमेंट किया जाना है और काम किया, ताकि डबरा सीट भी बीजेपी जीत सके। बिल्कुल, तो तमाम बीजेपी के आला नेता जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सांवेर के दौरे पर रहेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जाएगी, इसके साथ ही पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे।